फुलशागुणा पाखरु सब कथा शुणिबा परे बढ़े माने तो आश्रम पाखरे थिया बाहाडा गच्छ को काटी सेतिरे डंगा तयारी करिवारे लागिगले। चाहू चाहू हजार कि बारश बढ़ई मात्र कई घंटा भितर डंगा कम शेष करदे। सभा शेष बुढ़ा बढ़ई डंगा उपरे चढ़ी कम ठीक है कि नहीं तदारख कला। देखला राजा मन को पाइला भाया कम एकदम ठीक है। से डंगार मंगरे चाबीटी को खंजीदेला। एणे कौन है राजा पुओ तो झरणा कूल में पहुंची सारी झरणार काचकेन्दु भली पानी देखी तार शोष आहुरी जोरे बढ़ीगला। तेणु सीए मध्य आगे चलला झरणा आड़ को पानी पीब बोली। किंतु सीए तो राजा पुओ संदेह करिबा तो राजा मानंकर प्रकृति। तेणु सीए भाविला मु तो घोड़े एत बाट आसली कहीं कौटी तो झरणा को देखिपारि। हठात झरणाटा ये देखागला केमती पुणि झरणा कौठ आरंभ हो जनापड़ी। एमती भाभी भाभी आखि बुलाऊ बुलाऊ हठात राजा पुओ देखला से गोटे काठ घोड़ा ठिया। राजा पुओ को कथा बड़ आश्चर्य लगला इत्ते बड़ काठ घोड़ा इटि कहीं थुआई। एक तो झरणा को देख ता मनरे सन्देह आसी दुईरे पुणे काठ घोड़ा को देख ता मनरे आहुरी जोरे सन्देह आसला। भल भाव घोड़ाटी को निरीक्षण करने राजा पुओ जाणीपरला घोड़ाटी होची तारी संगात मंत्री पुअर। घोड़ार मुह को चाहबारु राजा पुओ को लगला घोड़ाटी जमी बड़ विकल हो चाहिए। कथाटा राजा पुओ को बड़ अड़ुआ अड़ुआ लगला। सी जाणीपरला निश्चय ता संगात यठिक आसला पा पीवाई आई हुए तो सहित किना कि चमत्कार जो तार जीअंता घोड़ाटी काठ घोड़ा पाल्टी जाए। हुए तो मंत्री पुओ से कौटी काठ पाल्टी जाइए बोली भाभी राजा पुओ चारिआड़ चाहिला मात्र कौटी हेले भी सी मंत्री पुओ को देखिपारानी। एणे शोषर तो तंटी सुखी जाऊ थाए कौन भाभी राजा पुओ आ झरणारू पा पीलानी। देखला पाखरे गोटे खजूरी गच अच्छी। राजा पुओ अंटारु छुरीटी को काढ़ी खजूरी गचरे चढ़ी खजूरी गच को हाणी से थ्रु खजूरी रस बाहर कला। एणे राजा पुओ झरणारू पा न पीवा कथा मंत्र बल जाणीपरला कुहूक राजकुमारी सोना। आज पर्यंत से माया झरणा पाखक जीए आसी समस्ते पा पीवाई से झरणा पाखक जा कुहूक राजकुमारी मायारे छंदी जाते। किंतु राजा पुओ नजीवरू कुहूक राजकुमारी सोना यही कथाटा को तार गोटे हार बोली भाविला। तेणु सांगे सांगे रागरे से तार दासी मानक आदेश देला जाओ राजा पुओ को जाई भ्रमित कर। एणे राजा पुओ तो खजूरी गचरे चढ़ी खजूरी गचरु रस बाहर करुथाए। एही समय रे रुणु झुणु ए नृपुर बाजिवार शब्द शुणागला। राजा पुओ तल को चाहे तो देखला चारि पांच जन सुंदरी झी काखरे पानी कलसी धरी से ठिया होती। सबू झीगुड़िक देखा खूब सुंदर से मानू देख मुहूर्त राजा पुअर मन चहली गला। तापर सी निजक संजत कर भाविला ये निश्चय कई जादूगरी शक्तिर माया ना कही कड़े नथिले हठात एड़े सुंदरी झील मैने कौठ आसी पहुँची गले। भावी आग को विपद अच्छी मनरे चिंता करी राजा पुआ से आड़ को ध्यान नद खजूरी रस संग्रह कर मन दे। एक देख से सुंदरी झील मैंने खूब मीठा मीठा स्वर से कहले हे वीर पुरुष एते परिश्रम करी खजूरी गचर कहीं ताड़ी संग्रह करुच पीबार अच्छी तो आम पाखे जो कलसी अच्छी से पा पिओ। मात्र राजा पुओ से आड़ को टिके भी ध्यान देलानी। से झील मैने नाना फंदी फिकर करी केते प्रकार राजा पुओ को पा पीवा चेष्टा कले। मात्र राजा पुओ से आड़ को न चाह खजूरी गचर खजूरी रस बाहर करी पेटे पीला। जेहेतु राजा पुओ से सुंदरी झील मान पाखु पा न पीला तेणु कुहूक राजकुमारी द्वितीय चाल भी कम देलानी। द्वितीय थर पर से राजा पुओ पाखर हार मानला। तेणु मने मने खूब जोर रागी राजा पुओ को पाने चखेब बोली कुहूक राजकुमारी तैयार ही रहा। एणे कौन है बढ़े मैने मन पवन डंगा को धरी राजा पाखक गले। डंगा तैयारी हो शुणा मात्रे खुशी रांगार गोड़ आ तले लगुन थाए। समस्ते डंगाटी को देखिले
बड़ सुंदर देखा जाए डंगाटी। तापर डंगार गुण बखाणवाकू जा बुढ़ा बढ़ई कहला, मणिमा ए डंगार एक स्वतंत्र गुण अच्छी। डंगारे बसी ईश्वर पार्वती को स्मरण कर चाबीटी को मोड़ा मात्रे जड़े जुआड़े जावाक चाह मन भोली क्षिप्र गति सी जा जगह पहुँचीज। दरकार पड़े डंगा आकार आहरी बड़ हो जापर, दरकार पड़े कागज डंगा भाया एड़ी छोटियाटे भी हो जापर। यह कही डंगा बाबद सब कथा गोटी गोटी कर बुढ़ा बढ़ई राजा को बुझेदेला। पाखरे थाए रांगा सब कथा शुणु थाए। तेरे राजा डंगाटी को रांगा को दान करी कहिले, तमे मो झी को बुढ़ी अश्रुणी पाखु उद्धार करी मोर बड़ उपकार करिथिलो। आज मु तुम उपकार ऋण सुझिली। माकड़ बड़ आनंद राजा पाखु विदाय नहीं मने मने ईश्वर पार्वती को स्मरण कर बार हाथ लंबर बाड़ थी राजकुमारी पाखे मत नहीं पहुँचाई दि कही डंगार चाबीटी को मोड़देला। जेमती माकड़ डंगार चाबीटी को मोड़ी साईकिना डंगा भूईरु आकाश को उठिला। एणे कौन है राजा पुओ खजूरी रस पी शोष मेटाई सार घोड़े चढ़ी मंत्री पुओ संगात को खोजा को बाहर। एपटे राजकुमारी सोना तो राजा पुओ पाखु दी दी थर हार रागरे जली जाऊ थाए। कहला ठीक अच्छे, घोड़ा धरी तू केते बात आग को जीवु मु देखी। या कही मुठाए पाउश धरी मंत्र पढ़ी राजा पुआ आड़ को फोपाड़ी देला। सी मंत्र बल रे पाउश जाक उड़ी उड़ी आसी राजा पुआ जाऊथिबा रास्ता रे लुहार कंटा गुड़िए हेई ऊपर को ठिया हे रहला। रास्ता रे लुहा कंटा पड़ीथिबार देखी राजा पुआ बाट भांगी आग को जीवा को चाहिला। मात्र राजा पुओ जुआड़े जाऊ थाए ता सामना रे खाली लुहा कंटा बिछे हो जाऊ थाए। सामना रे लुहा कंटा पड़ी थी देखी घोड़ा मध्यम आग को पादे भी घुंचिलानी। कौन करिब बोली राजा पुओ को बुद्धिवाट देखा गलानी। आग को गले सिना संगात को खोजी बाहर करिब, किंतु आगरे तो लुहा कंटा जीव केमिति। किछि बुद्धिवाट न पाई राजा पुओ शेषे घोड़ू ओल्ल कि तले ठिया हला। एक कथा जानीपरी खूब खुशी हसी उठिला कुहक राजकुमारी सोना। कहला एथर राजा पुओ मो पाखरे निश्चय मुंड नुआब। एणे कौन है पहाड़ उपरे गच्छ को आउचित बसीथिला ब्रह्म राक्षस। प्रति मुहूर्त ता मुंडरे से गोटे चिंता थाए बार हाथ लंबर बाड़ थिवा राजकुमारी। काहू केते दिन तले स्वप्नर देखिथिवा राजकुमारी मुहटी एबे भी ता आखि सामने नाची उठुथाए। सी मने मने भाबू थाए खाली थरे रांगा से राजकुमारी ठिकणा खोजी आनी दो। तापरे मु जेन तेन उपाय राजकुमारी को निश्चय बाहाबी। जदि भलरे भलरे राजकुमारी बाहा राजी न हेब ताले तार बंशटा जाकु मारी खाई शेषे बाध्य राजकुमारी मते बाहा। किंतु प्रथम ठिकणाटा मिलवा दरकार। ठीक एतिक बेलू काहू थिला पेचाटाए उड़ी उड़ी आसी लटकिना ब्रह्म राक्षस सामने पड़ा। आईटिकिना छटपट ही सी मरीगला। एक देख ब्रह्म राक्षस आश्चर्य होगा। एक रे तो पेचा मुह देखा भल नुहे, दुई रे पुणी पेचाटा ब्रह्म राक्षस सामने पड़ी छटपट ही मरीगला। तार माने कौन हो पारे, हठात पेचा काहीकि सामने देखला सी ये किछि आउ अशुभ संकेत नुहे त। ब्रह्म राक्षस हठात सामने पेचा काहीकि देखला। सतरे कौन पेचा देखा अशुभ, कुहक राजकुमारी माय जो बाटे पड़ी लुहा कंटा डे राजा पुआ आग को जीव केमिति। तार संगात मंत्री पुओ को कुहक राजकुमारी पाखु मुकुले पार तो सीए। रांगा कौन मन पवन डंगे बसी बार हाथ लंबर बाड़ थी राजकुमारी पाखे जा पहुँची पार। ए सबुर उत्तर जानवापी देखु मन छुआ कहानी प्रस्तुत मेघा धारावाहिक माकड़ और ब्रह्म राक्षसर दशम अध्याय। यही अध्यायटी आपण मानक केमी लगला मतामत निश्चय देवे। जदि आपण मन को पाई थाए ताले लाइक कमेंट और शेयर करने को आद भूल। आँ जदि एपर्यंत भी आप चैनल को सब्सक्राइब करना ताले इमती सुंदर सुंदर मन छुआ कहानी शुणापी यही मुहूर्त ही चैनल को सब्सक्राइब करूँ और पाखे बेल आइकन को निश्चय दबातु ताले नुआ वीडियो पोस्ट ला मात्रे सांगे सांगे आपन को नोटिफिकेशन मिल जाय। जय श्री राम।